नगर निगम क्षेत्र में पेंशन प्राप्त कर रहे ऐसे हितग्राही जिनका आधार कार्ड 10 वर्ष पूर्व बना है, ऐसे हितग्राहियों से आधार कार्ड अपडेट कराने की अपील महापौर नीरज पाल ने की है, जिससे हितग्राहियों को सुचारू रूप से पेंशन का लाभ प्राप्त हो सके। नगर पालिक निगम भिलाई में सामाजिक सहायता योजना अंतर्गत अनेकों हितग्राहियों को पेंशन प्रदान की जाती है। ऐसे पेंशन के हितग्राही जिनका आधार कार्ड पिछले 10 वर्ष पूर्व बना हो अथवा 10 वर्ष पहले अपडेट कराया हुआ हो के आधार कार्ड को फिर से आधार सेंटर के माध्यम से अपडेट कराने की अपील महापौर नीरज पाल ने की है। साथ ही संबंधित बैंक जिसमें हितग्राही अपनी पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं उस बैंक में KYC कराना भी हितग्राही को आवश्यक होगा, इसकी जानकारी महापौर नीरज पाल ने दी। तो क्या अपील करना चाहिए? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन जो पेंशन के हकदार हैं, पेंशनधारी हैं, उन लोगों को पेंशन का लाभ शासन के द्वारा दिया जाता है, लेकिन उसमें 10 वर्ष पूर्व जिनका आधार कार्ड बना था या जिन्होंने 10 साल पहले अपडेट कराया था, उनको एक बार फिर से जाके अपने बैंकों में जहां उनकी पेंशन जाती है वहां उनको अपना KYC एक बार फिर से अपडेट कराना पड़ेगा। वो KYC अपडेट नहीं होने की वजह से उनको पेंशन लेने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए आपके माध्यम से मेरी अपील है कि ऐसे सभी पेंशनधारी जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं वो सभी जाके समय रहते हुए अपना KYC अपडेट करा लें, ताकि मिलने वाली पेंशन में कोई उनको बाधा नहीं हो, शासन की योजनाओं का लाभ हम पहुंचा पाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना KYC अपडेट कराएं। शिविर लग रहे हैं जिसमें हर जो शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उनका सबका लाभ दिया जा रहा है। अगर उनको आधार कार्ड बनाने के लिए कोई दिक्कत आ रही है तो वो उन शिविर में जाके अपना आधार कार्ड भी अपडेट करा सकते हैं। बहरहाल किसी भी असुविधा से बचने पेंशन प्राप्त कर रहे हितग्राहियों को अपने आधार को अपडेट किए जाने की जरूरत है, जिससे पेंशन प्राप्त करने निरंतरता बनी रहे। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।